है एनसीबी दफ्तर के लिए घर से रकुलप्रीत सिंह निकली हैं। ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल होंगे। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। दीपिका के साथ करिश्मा प्रकाश की ड्रग्स चैट सामने आई। कल दीपिका से एनसीबी पूछताछ करेगी। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होगी। तो कई ए लिस्टेड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम शामिल है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर। वहीं रकुलप्रीत सिंह से भी पूछताछ आज होगी। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी एक्शन में है। तो रकुलप्रीत सिंह को समन भेजा गया था इससे पहले, लेकिन उनकी टीम ने समन मिलने से पहले इनकार कर दिया, लिहाजा रकुलप्रीत एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंची। फिर करीब 1 बजे कल एनसीबी की टीम रकुलप्रीत सिंह के घर पहुंची और समन दिया। तो आज पूछताछ के लिए रकुलप्रीत सिंह को बुलाया गया है। वहीं सिमोन खंबाटा से भी पूछताछ हुई है। तो लगातार बड़े बड़े सितारे एनसीबी के शिकंजे पर कसते जा रहे हैं और कई सवाल इस वक्त बॉलीवुड पर उठ रहे हैं। वहीं ड्रग्स मामले में बॉलीवुड से दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह जैसे चर्चित नाम उभरकर सामने आए। विज्ञापन जगत में इनकी काफी ज्यादा डिमांड भी रही है, लेकिन ड्रग्स मामले में घिरने पर विज्ञापन जगत चिंतित है। इस ड्रग्स कनेक्शन से कंपनियों के एक्ट्रेस की ब्रांड वैल्यू और अपकमिंग ऑफर्स का हाल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दीपिका पादुकोण पर इसका सीधा असर उनके करियर पर पड़ सकता है। उन पर इंडस्ट्री के करीब 600 करोड़ रुपए का दाव लगा हुआ है और इनमें उनकी 2 फिल्में और 33 ब्रांड एंडोर्समेंट शामिल हैं। उधर श्रद्धा कपूर की बात करें तो 100 करोड़ कैम कमाने वाली सफल फिल्में वो कर चुकी हैं और उनकी अपकमिंग फिल्मों में असर पड़ सकता है। सारा अली खान का नाम भी ड्रग्स मंडली में शामिल है, उन्हें करियर पर भी असर उनके पड़ सकता है। रकुलप्रीत सिंह बॉलीवुड के बजाय टॉलीवुड में ज्यादा सक्रिय हैं, साउथ में उनकी अपकमिंग फिल्म पर असर हो सकता है।